गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में हमने एरी महोदय का समस्थिति का सिद्धांत का जिक्र किया। आज हम जिक्र करेंगे कि प्राट महोदय जो है समस्थिति के सिद्धांत के बारे में क्या धारणा रखते हैं। तो समस्थिति के संबंध में प्राट महोदय ने अपनी अवधारणा जो है 1855 में प्रस्तुत की थी। प्राट का पूरा नाम था आर्किडिकन प्राट, और हिमालय पर्वत की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का अध्ययन करने के बाद उन्होंने अपनी ये विचार व्यक्त किए कि ऊंचे हिमालय के निचले भाग में शैलों का घनत्व कम तथा मैदान व दक्षिणी प्रायद्वीप के तलों में शैलों का घनत्व अपेक्षाकृत अधिक होता है। इसी कारण हिमालय का गुरुत्वाकर्षण प्राट द्वारा की गई गणना से काफ़ी कम था। स्टार्टिंग में जो हमने कल्याणा और कल्याणपुर की अक्षांश स्थितियों में त्रिभुजीकरण और खगोलीय माप में जो अंतर पाया गया था वो 5.236 इंच का अंतर आया था, जबकि प्राट की गणना के अनुसार यह अंतर 15.885 इंच का होना चाहिए। प्राट ने हिमालय का औसत घनत्व जो है 2.75 मानकर ये गणना की थी, और इस आधार पर प्राट महोदय का ये मानना था कि पर्वतों का घनत्व पठारों से कम, पठारों का घनत्व मैदानों से कम, और मैदानों का घनत्व जो है समुद्र तल से कम होता है। अपनी इस अवधारणा को उन्होंने एक प्रयोग के द्वारा सिद्ध किया। उन्होंने एक बर्तन में पारा भरकर उस पर विभिन्न घनत्व परंतु समान भार वाले अनेक धातुओं के टुकड़े तैरा दिए। प्रत्येक टुकड़े का पारे में समान गहराई तक प्रवेश था, परंतु पारे के ऊपर टुकड़ों की ऊंचाई अलग अलग थी। जस्ते के टुकड़े का सापेक्ष घनत्व 7.1 और प्लेटिनम के टुकड़े का 21.50 है। तो स्पष्ट है कि प्लेटिनम के टुकड़े का सापेक्ष घनत्व जस्ते के टुकड़े से 3 गुना अधिक है, अर्थात जस्ते का टुकड़ा प्लेटिनम के टुकड़े से 1/3 भाग हल्का है। इसलिए जस्ते का टुकड़ा प्लेटिनम के टुकड़े की अपेक्षा 3 गुना बाहर निकला हुआ होगा। दूसरे शब्दों में द्रव से बाहर निकली ऊंचाइयां घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होती हैं, मतलब इन्वर्शनली प्रोपोर्शनल होती हैं। इसी तरह से पाइराइट का घनत्व जस्ते से कम होता है, इसलिए पाइराइट का टुकड़ा जस्ते के टुकड़े की तुलना में कहीं अधिक बाहर निकला हुआ होगा। तो प्राट महोदय ने पारे में शीशा, लोहा, पाइराइट, तांबा और जस्ते के टुकड़े तैरते हुए दिखाए जो अपने घनत्व के अनुसार पारे के तल से कम या अधिक ऊपर उठे हुए हैं। तो इसी तरह से प्राट का ये मानना था कि जो ऊंचे भूखंड हैं जैसे कि पर्वत है, पठार है, उनका घनत्व कम है, और जो निचले भूखंड हैं मैदान, उनका घनत्व अधिक है, और ये सब अपेक्षता अधिक घनत्व वाले द्रव रूपी पदार्थ जिसको आप साइमा कहते हैं उसमें उस पर तैर रहे हैं। परिणाम स्वरूप द्रव के बाहर कम घनत्व वाले भूखंड भूतल पर ऊंचे हैं और अधिक घनत्व वाले भूखंड नीचे हैं। ये सभी भाग अधः स्तर पर टिके हुए हैं जिसका घनत्व 3.3 है। पर्वतों का घनत्व चूंकि कम है इसलिए वे ऊपर को उठे हुए हैं। इसके विपरीत समुद्र तल का घनत्व अधिक है और वह नीचे को धसा हुआ है। इस तरह से प्राट महोदय ने बताया कि ऊंचाई और घनत्व का
व्युत्क्रमानुपात या उल्टा अनुपात है, अर्थात ऊंचा स्तंभ कम घनत्व, नीचा स्तंभ अधिक घनत्व। इट मीन्स टू से बिगर द कॉलम लेसर द डेंसिटी एंड स्मॉलर द कॉलम ग्रेटर द डेंसिटी। प्राट महोदय ने यह भी बताया कि एक लेवल ऑफ कंपनसेशन होता है, एक क्षतिपूर्ति तल होता है। इस तल के ऊपर घनत्व में अंतर होता है और इसके नीचे घनत्व समान रहता है। इस प्रकार प्राट का विश्वास लॉ ऑफ फ्लोटेशन में न होकर लॉ ऑफ लेवल ऑफ कंपनसेशन में था। कहने का अभिप्राय है कि प्राट का विश्वास तैराव के नियम में न होकर, तैराव के नियम में विश्वास था एरी महोदय का, पीछे आपने थ्योरी की है, तो तैराव के नियम में विश्वास नहीं रखते थे प्राट महोदय, बल्कि उनका विश्वास क्षतिपूर्ति तल के नियम में था। परंतु एक विद्वान हुए हैं बोवी, उन्होंने कहा, उनका कहना है कि प्राट के मत में तैराव के नियम की झलक भी देखने को मिलती है। प्राट के अनुसार एक स्तंभ में घनत्व नहीं बदलता, परंतु एक स्तंभ से दूसरे स्तंभ तक जाने में घनत्व में परिवर्तन आता है। तो कहीं ना कहीं जो है प्राट की इस अवधारणा का महत्वपूर्ण अंग है एक समान गहराई एवं परिवर्तित घनत्व। इट मीन्स यूनिफॉर्म डेप्थ विद वेरिंग डेंसिटी। तो ये थी प्राट महोदय की अवधारणा।